ड्रग मामले में एनसीबी लगातार सितारों पर शिकंजा कसती जा रही है। इस बार नंबर आया है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति का। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने 3 जगहों पर छापामारी की थी। कॉमेडियन भारती और उसके हस्बैंड हर्ष के घर पर छापामारी हुई। छापेमारी में भारती के घर से गांजा बरामद हुआ। एक्ट्रेस और उसके हस्बैंड को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। हमारे सूत्र बता रहे कि मुंबई के वर्सोवा लोखंडवाला सबर्ब में छापामारी की गई। भारती सिंह और उनके पति को दोनों को समन किया गया है और इसके कुछ देर बाद ही दोनों एनसीबी के मुंबई ऑफिस में पहुंचेंगे। एनसीबी की रेड अभी भी जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के यहाँ छापेमारी की थी और इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए थे। साथ ही अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा एनसीबी ने बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियावाल की पत्नी को भी उसके आवास से गिरफ्तार किया था। यानी एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक्शन में है और कई बॉलीवुड सितारों के ऊपर जांच कर रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।